सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ नैनीताल सीरीज। तो इफ अटल किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, क्योंकि उस ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं वीडियोस। सो उसमें पता चल जाएगा आपको कि हम लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में एग्जैक्टली क्या किया और किस किस हिसाब से हम लोग घोड़ाखाल तक पहुँचे थे। सो डू वॉच इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अलॉन्ग विद पोस्ट नोटिफिकेशन बेल, जाके दबा दो पक्के से। और अब आई बी पोस्टिंग द वीडियोज मोर फ्रीक्वेंटली, जैसे आपको अभी देख रहा होगा एक दो दिन, कुछ चार पाँच दिन के अंदर ही मैंने एक और ब्लॉग डाल दिया। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं ब्लॉग अपना कंटेंट जितना भी मेरे पे बहुत सारा क्रिएटेड है वो सारा फटाफट डालूं, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द अपकमिंग ब्लॉग्स एज वेल। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम घोड़ाखाल एंड इट्स डे 3। सब फ्रेश एनअप वगैरह हो गए हैं और अब यहाँ से हम कहीं और जाएंगे। और ये देखो यहाँ से व्यू, देखो यहाँ से पूरा दिख रहा है। अब नजीरा पहुँचे, ठीक है, वहाँ से सीधे जो है स्टेट में। हाँ वहाँ से तो बहुत, वहाँ से कल इनका डिनर कैसा था? डिनर तो बहुत बढ़िया था। हाँ तो जो सर जो बता रहे हैं ये सब चीज़ें, इनका ये इतनी जो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है वो सर की है, जीवन सर की, और मैम की, उधर मैम खड़ी हैं। अरे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम तो आपके थ्रू मिले ना, बाकी सर आप अपना बता दीजिए कि मतलब। आई एम जीवन चंद जोशी, आई एम 63 ईयर ओल्ड, आई सर्व इन 20 इयर्स इन एयरफोर्स एंड 20 मैंने ईयर रिटायर हो गया। आई बहुत मैंने बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन अब कुछ नहीं कर रखा है मैंने। अब आराम से यहाँ पे जो लोग अच्छी प्रॉपर्टी ले लिया तो कि बिजनेस करने के कुछ नहीं करता हूँ मैं। सीधे घोड़ाखाल यहाँ गोल दिसी फेमस फॉर द सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल यहाँ पे बहुत लोगों ने सुना होगा सैनिक स्कूल के बारे में, घोड़ाखाल का और बेस्ट स्कूल इन द इंडिया। सैनिक स्कूल एक सीरीज है, तो देयर आर टोटल 29 सैनिक स्कूल इन ऑल ओवर इंडिया एंड गोलदेवता टेम्पल इज अ टेम्पल, इट इज नोन एज अ गॉड ऑफ जस्टिस। तो आजकल के जमाने में क्या होता था, पहले जमाने न्याय प्रथा के लिए क्या होता था कि आजकल कोर्ट है, कचहरी, एवरीथिंग, पहले जाने कोई ऐसा नहीं होता था। पहले जाने एक गॉड ऑफ जस्टिस एक आदमी होता था, ही यूज्ड टू डू जस्टिस। तो जहाँ भी आप देखेंगे गोलदेवता मंदिर टॉप पे है, तो जितने लोगों की जितनी फरियादें लोग करते थे यहाँ इस फरियाद सुनी जाती है, ही यूज्ड टू डू मेक द जस्टिस। ऐसे तीन टेम्पल हैं चंपावत में, चितई में, गोलदेवता ही गोलदेवता के टेम्पल। अच्छा, ही इज नोन एज गॉड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस। तो बहुत ही यूनिक सी चीज पता चली, वैसे हमें पता नहीं थी। मतलब आई इंसिस्ट यू टू यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्टे करो बिकॉज सर को यहाँ पे मेरे को लगता है शायद पूरा घोड़ाखाल जानता है। क्योंकि एक्चुअली मेरा भी जब ड्रोन गया था नीचे, तो जहाँ पे मैं बता रहा था मेरा ड्रोन नीचे क्रैश हुआ था, तो मैं जहाँ पे गया उन्होंने सीधे बोला कि आप जीवंत आगे यहाँ रुके हो, तो मतलब मेरे को लगा कि मतलब ऐसा लग रहा था सब भी जानते हैं, जिनसे पूछा वो आपका वो तो भवाली से लेकर भिंता यहाँ भी जाने मैक्सिमम 90% हम लोग जानेंगे। वही तो मतलब सर, तो इसलिए ये स्टे इसलिए भी अच्छा है कि आपको सारी चीजें फैसिलिटी मिल जाएगी सर से। क्यों डेफिनेटली, बड़े बड़े आई कैन डू, आई विल डू इट, ओके, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। अबे मैम का कोई बात नहीं मैम ने कलर कर रखा, कोई बात नहीं, बट मैम की हॉस्पिटैलिटी मतलब नेक्स्ट लेवल थी। सुबह चाय, रात में चाय, और बॉन फायर के लिए भी करा था, वो तो हमारे सर ने कर दिया था, जीवन सर ने, मतलब बहुत ही बढ़िया सा अरेंजमेंट था। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा इसे। अब बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सर का नंबर भी दे दूंगा, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इनकेस एयरबीएनबी पे से नहीं करना है तो। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो मेरा नाम ले लेना यार, थोड़ा सर को भी लगेगा कि याद आ जाएगा सर को भी। और ये एक्टिव गर्ल, ये देखो क्यूटू, आप नाम क्या आपका? गरिमा। गरिमा ये इतनी इतनी प्यारी बच्ची है कि ये चाय तो मैम ने बनाई थी बट लाई हमेशा ये थी, और इतनी क्यूट है। आप कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में। देखो कितनी क्यूट लग रही है मैम की शक्ल, मैम की शक्ल पूरी पूरी आ रही है। ये देखो ऐसा है पूरा स्टे, ये पूरा स्टे ऐसा, ये दो रूम्स हैं। बाकी चीज़ तो मैंने बता ही दी है, अब यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे भीमताल के लिए। बट इन टोटल बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ पे, लिटरली बहुत अच्छी वाइब।
सो आई मतलब पर्सनली इंसिस्ट यू टू विजिट दिस स्पेसिफिक प्लेस एंड स्टे भी आप यहीं करें। गाइस हम लोग अब घोड़ा खाल से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था, अब हम लोग जो ऊपर से भीमताल जो व्यू दिखाया था अब हम वहीं जा रहे हैं भीमताल। तो अभी हम लोग ब्रंच कर रहे हैं अपना, क्योंकि हम लोग कुछ वैसे कुछ खाया था नहीं। सही है खाना? खाने सही लग रहा? कैसा लग रहा? कैसा है टेस्ट? टेस्ट कैसा है? अच्छा टेस्टी। तू बता आपको कैसा लग रहा? में तो बढ़िया। तो आप इसमें यहाँ पे देखिए देखिए बोल रहे कि आपने शुरू नहीं किया है। शुरू नहीं किया। तो हम लोगों ने ब्रंच टाइप का कर चुका है और अभी हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं। पुलिस थाने इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हमें उड़ाना है ड्रोन और ड्रोन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पूछने जा रहे हैं, देखते हैं। मैंने यहाँ पे पता करा था तो वो बोल रहे थे परमिशन लेके शायद उड़ान देते हैं। तो वो हिल ग्रुप है, कौन सा कैफे था वो? जो आइलैंड वाला है ना, लेक आइलैंड कैफे जो भी था वो। तो मैं सोच रहा हूँ उसका ड्रोन शॉट ले लूँ। तो अभी बस ये जाके एक बार चेक करते हैं, अलाउ करते हैं कि नहीं करते खाने में, और अगर मिल जाएगी परमिशन तो उड़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो फिर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो मैं जहाँ पे अभी चल रहा हूँ ना वो पीछे भाई, ये ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। A few moments later. Guys, this was an unsuccessful attempt. और अभी हम लोग थाने गए थे कंफर्म करने के लिए, एज इन ड्रोन उड़ाने का सीन। बट हम जब थाने गए तो उन्होंने बोला SDM से परमिशन लेनी पड़ेगी ड्रोन उड़ाने के लिए। और आज संडे है तो आज SDM का ऑफिस भी बंद होगा, तो अनफॉर्चुनेटली ड्रोन तो उड़ नहीं पाएगा। और जब मैं सोच रहा था शॉट लेने का, लेक हिल व्यू करके जो भी था उसका लेने का जो सोच रहा था शॉट, वो भी नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो देखता हूँ तब SDM साहब से ले लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो वहीं जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कल नहीं जाने क्यों ये पल पिघल गया फिसल गया। तो गाइस हम लोगों को ये भैया मिल गए थे, भैया ने हमें पार्किंग तक लिफ्ट दे दिया क्योंकि हमारी बहुत वाला आफत आ गई थी चलते चलते। ड्रोन उड़ा रहे थे ना, ड्रोन उड़ाने नहीं देते ना ड्रोन। अच्छा SDM से लेनी पड़ती परमिशन कि ये थाने वाले दे सकते हैं? SDM से? अब इतनी दूर से आ रखे हम लोगों ने बहुत सोचा फोटो वोटो ले लेंगे, कुछ वीडियो वीडियो बढ़िया सी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखो हम लोग लिफ्ट लेके सीधा यहाँ पहुँच गए भाई, क्या बात है, वाह यहीं से स्टार्ट किया था हमने, क्या बात है। अरे जीजू ने लिए लिफ्ट, तो जीजू हमारे यहाँ बड़े शातिर हैं, वैसे दिखने के सीधे हैं। नहीं नहीं कॉलेज में बहुत किया ना, ट्रकों से लिफ्ट ली है, ट्रैक्टर से लिफ्ट ली है। ये तो है, पर वैसे जीजू मेरे साथ पूरा वहाँ तक गए, हमने कटवा के आए हैं, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, पता चल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमें। फ्यूचर के लिए मिल गया, कभी दोस्तों के साथ आएगा तो पहले परमिशन ले लेना। वो तो है, तो शॉपिंग चल रही है मम्मी और दादी की, करो करो करो। वो सारा है ये, इतना सारा एक होम डिलीवरी है। तो वो यही वो शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने लिया है लद्दाख हैंडलूम, और ये मेन भीमताल के जो ये वाला एरिया है इसके ऑपोजिट में है। भी तो ठहरा मैं ये दिल की बातों को रोको ना, ठहरा हूँ मैं। तो गाइज वो जो शॉप जो दिखाई थी अभी, तो उस शॉप से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की। हमने एक ब्लैंकेट लिया था, डबल है वो, उसको हम बिछा भी सकते हैं और ओढ़ भी सकते हैं, और समर्स में भी काम आता है और विंटर्स में भी। अच्छा। उसके साथ हमें पांच गिफ्ट मिले और अगर हम विद इन 5 years उसको वापस करेंगे तो हमारा 75% वापस मिलेगा पैसा, रिफंड हो जाएगा। और ये इसलिए हमको विश्वास हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हम अच्छे से देख चुके हैं, और जो कस्टमर थे उनसे हमने बात भी की, बॉम्बे के कस्टमर से हमने बात की। देख रहो मम्मी को, मेरे को लगता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज शी इज अ गुड स्पीकर। यहाँ तक आए थे हम, तो मेरा तो मैं तो ड्रोन के चक्कर में आया था, बट जीजू मेरे लिए चले हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। शहरों की गलियों से जाने क्यों ये पल पिघल गया फिसल गया, जाने क्यों ये पल पिघल गया पिघल गया, ये कोई ना कहे सुने भी कोई ना, ये
इरादे वो ही हैं, बदल गई मंजिलें, ये कैसा खेल है, क्यों इधर हम फंस गए, ये वादों का है क्या, आज है कल नहीं, जाने क्यों ये पल पिघल गया फिसल गया, जाने क्यों ये पल पिघल गया पिघल गया। सो हम लोग नैनीताल ट्रिप से वापस आ चुके थे और आज दीदी और जीजू जा रहे हैं, तो इन लोगों से पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली इनकी पूरी एग्जैक्टली आज इस बार ट्रिप कैसे रही, क्योंकि पिछली बार जब ये लोग आए थे तो उस टाइम पे फ्लैट पे बहुत सारा काम चल रहा था तो ज्यादा घूम नहीं पाए, बट इस बार हम लोगों ने काफी ज्यादा घूमा है। मजेदार थी, अच्छी थी, और मैं तो नैनीताल देखा ही था तो मेरे को बड़ा मजा आया, इट वाज गुड, इट वाज गुड ट्रिप। और जीजू हमारे जीजू से पूछ रहे थे, स्मार्टी जीजू से, हां जीजू बताओ। बहुत बढ़िया थी, मजा आया, काश छुट्टी होती तो और बड़ा ज्यादा घूमते। ये तो है, बट पर सारे स्टेज अच्छे थे ना, बहुत बढ़िया। शान भाई मतलब जीजू ने करे थे सारे स्टेज, सारे स्टेज जीजू ने सारे स्टेज करे थे, वैसे घोड़ा काल का सबसे अच्छा लगा हमें, बट ऑल थैंक्स टू जीजू और एंड गूगल बहुत अच्छा लगा, वही फ्रेश हो गए बच्चे, एक्शन को घुमा दिया और वही बेचारा ड्राइव करता रहा, पर ठीक है, बहुत मजा आया, घर में रहने में मजा आया और बाहर घूमने में भी, वो तो है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू रितवेश एंड कीप सपोर्टिंग, और जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता कर लेना, वहाँ पे मेरे डेली अपडेट्स रहते हैं, तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। चीज हमेशा याद रखना क्योंकि ये बार जो ट्रिप था इसमें हमने एक वर्ड बहुत बार बोला है, तो दैट इज ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।